हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस, माय सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश का जो शासन है वो कब से कब तक रहा है, कौन कौन थे जिन्होंने खिलजी वंश पर शासन किया था, यानी संपूर्ण खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, किन किन लोगों ने गुलाम वंश पर शासन किया था, यानी संपूर्ण गुलाम वंश के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा है। और जिसने भी उन क्लासेस को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे शमसुद्दीन केम्युअर्स, उसकी हत्या के बाद ही जलालुद्दीन खिलजी जो है उन्होंने नए वंश की यानी कि खिलजी वंश की जो है शुरुआत की थी। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो शासन है वो 1290 से 1320 तक रहा है, यानी सबसे कम समय तक का शासन जो है वो खिलजी वंश का ही रहा है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, लेकिन सबसे कम समय का जो शासन था वो खिलजी वंश का ही था, यानी सबसे कम समय तक इन्होंने ही शासन किया था। तो देखिए, गुलाम वंश के आखिरी शासक कयूमर्स की हत्या कर गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब क्या हुआ था, गुलाम वंश के जो आखिरी शासक थे दीन केम्युअर्स, उनकी हत्या के बाद यानी उनकी हत्या जलालुद्दीन ने की, और उसके बाद ही खिलजी वंश की शुरुआत हुई यानी खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। कब की थी, तो 13 जून 1290 ईस्वी में की थी खिलजी वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश जो था इसका शासन सबसे कम समय तक ही रहा था। देखिए खिलजी वंश के प्रमुख शासक, अब जो खिलजी वंश है उसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, किसने खिलजी वंश पे किन किन लोगों ने शासन किया था। तो सबसे पहले जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक केम्युअर्स की हत्या के बाद वो खिलजी वंश की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। उसके बाद जलालुद्दीन के बाद अलालुद्दीन खिलजी बने थे, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद शिहाबुद्दीन खिलजी बने थे, जिन्होंने 1316 में ही शासन किया था, यानी बहुत कम समय तक ये जो है शासन कर पाए थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने शासन किया था, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। और सबसे अंतिम जो थे खिलजी वंश के शासक वो नसीरुद्दीन खुसरवाह शाह थे, जिन्होंने 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक ही शासन किया था, यानी बहुत कम समय तक इन्होंने भी शासन किया था। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपका है जलालुद्दीन खिलजी और अलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में अधिकतर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण खिलजी वंश के बारे में। पहले देखिए जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम समझते हैं, 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जो जलालुद्दीन खिलजी का शासन था वो 1290 से 1296 तक का था। खिलजी वंश के संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी था, यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, तो 1290 से लेकर 1296 तक। अब इनका राज्याभिषेक देख लीजिए। अब जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालिक शासक कयूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलोखड़ी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। क्या क्या, इन्होंने गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे कयूमर्स उसकी हत्या की, और 1290 ईस्वी में ही किलोखड़ी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया, यानी स्वयं को राजा घोषित कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राज्य गद्दी को ग्रहण किया था। अब जलालुद्दीन थे, उन्होंने राजगद्दी यानी उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, कब उन्होंने राजगद्दी ग्रहण किया था, तो 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी में दिल्ली में राजगद्दी जो है इन्होंने ग्रहण कर ली थी। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया था, इन्होंने किलोखड़ी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था और किलोखड़ी को ही इन्होंने अपनी राजधानी भी बना लिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी क्या है, तो किलोखड़ी को इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख घटनाएं, यानी जलालुद्दीन खिलजी का जब समय था, जब ये शासन कर रहे थे उस समय कौन कौन सी घटनाएँ जो है वो प्रमुख थी, वो हुई थी। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में, कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू जो थे, कहाँ के सूबेदार थे,
तो कड़ा के सूबेदार थे, ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। आप लोग को इतना जानकारी जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग सिर्फ इन सारे नामों को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। था रणभोर अभियान जो 1251 में सुल्तान रणभोर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता यानी किले की जो मजबूती थी उसको देखकर अपना अभियान जो है वापस ले लिया, और वहां के शासक उस समय हमीर देव था। नेक्स्ट था मंगोलों का आक्रमण। 1292 में अब्दुल खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसमें मंगोल जो है वो पराजित हो गए थे। चौथा था सिद्दी मोला का मृत्युदंड। सिद्दी मोला एक सूफी संत थे। सिद्दी मोला जो है वो कौन थे, तो सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्युदंड दिया गया। अब ये जलालुद्दीन खिलजी जो थे उसके मृत्यु के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, उसके संभावना के आधार पर ही इन्हें मृत्युदंड जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है देवगिरी अभियान। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ था। तो देवगिरी अभियान कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपना अपार धन जो है वो प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिए सुल्तान की हत्या। अब इसमें क्या हो गया, जलालुद्दीन जो खिलजी थे उसकी हत्या 1296 में कड़ा में अलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी थी। अब क्या हुआ था 1296 में कड़ा में, कहाँ पे, तो कड़ा में अलालुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सुल्तान की हत्या कर दी थी। अब ये अलालुद्दीन खिलजी कौन है, तो अलालुद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के संस्थापक बने थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। जलालुद्दीन खिलजी ने कारामणि कपूर जो कि इलाहाबाद में है, मैं जलालुद्दीन की हत्या 1296 में किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कहाँ पे की थी, कारामणि कपूर में की थी, जो कि इलाहाबाद में है। वहाँ पे इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, 1296 में की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी हत्या के बाद वो खिलजी वंश के संस्थापक बने, और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अब तो जलालुद्दीन का समय खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कब से कब तक शासन किया था, तो 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारामणि कपूर जो कि इलाहाबाद में है वहाँ पर कर दी थी, और 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बना। यानी 1296 में जलालुद्दीन की इसने हत्या की और 1296 में ही यह दिल्ली का सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली तथा गुरसाब था। नेक्स्ट देखिए, इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो कि मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया था। क्या कहते, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नया धर्म चलाना चाहते थे, किंतु मुस्लिम विद्वान जिसे उलेमा कहा जाता है, जो कि इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, उसके कहने पे इसने जो है अपना निर्णय जो है उसने बदल लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अब गुलाम वंश में क्या होता था, गुलाम वंश में नगद वेतन के स्थान पे भूमि दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हो गया, सेना को नगद वेतन दिया जाने लगा और अस्थाई सेना की नींव भी रखी गई थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब घोड़ा दागना और सैनिक का हुलिया लिखना, तो किसी को पेंटिंग नहीं आती थी कि किसी का भी स्केच बना दे या फिर फोटो ले लिया जाए। पहले क्या होता था, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा थी, यानी जो सैनिक है उसकी हुलिया लिखनी पड़ती थी। वो देखने में कैसा है, लंबा है, नाटा है, उसके चेहरे पे किस चीज़ के निशान है, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले लिखा जाता था। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसने भू राजस्व का जो कर था उसको बढ़ाकर उसे 50% कर दिया था। इसने लूटे हुए धन जिसे खम्स कहा जाता है उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% इन्होंने कर दिया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति, अब अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन प्रमुख सेनापति थे, तो जफर खां थे, नूर सतन खां थे,
उल्लूक खां थे, मलिक काफूर थे। अलालुद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात के 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। अब 1000 दिनार किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलालुद्दीन खिलजी जो थे उसने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार दे करके उसे ख़रीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। अलालुद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अब जो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण थे वो किसके समय में हुए थे, तो अलालुद्दीन खिलजी के शासन के समय ही हुआ था। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलालुद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अब जो दक्षिण भारत था उसमें विजय पाने के लिए अलालुद्दीन खिलजी जो थे उसने मलिक काफूर को भेजा था। अब दक्षिण भारत हम लोग आगे पढ़ेंगे, उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। अलालुद्दीन खिलजी व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अब क्या हुआ था, अलालुद्दीन खिलजी जो थे उसने व्यापारियों की बेईमानी, यानी व्यापारी जो होते थे वो बेईमानी करते थे, उन्हें कोई सामान अगर उनसे लिया जाता था तो वो नाप तोल में कटौती करते थे, यानी सामान कम देते थे और उसे तोला ज़्यादा जाता था, उस तरह से वो लोग करते थे व्यापारी लोग। तो उनके लिए क्या नियम बनाया गया था कि जो व्यापारी जो है इस तरह के काम करेंगे, यानी कम सामान देंगे और नाप तोल जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो उनके उतना ही, जितना वो सामान कम दे रहे हैं उतना ही मांस जो है उनके शरीर से काटा जाएगा, ये उनका आदेश था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अब मूल्य नियंत्रण यानी व्यापारी क्या करते थे, ज़्यादा मूल्य लेते थे, किसी भी चीज़ की मूल्य जो है वो बढ़ा देते थे, तो इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है इस पर दृढ़ता से लागू किया था, ताकि उसका मूल्य जो है वही वास्तव में व्यापारी वो मूल्य ले, उसे ज़्यादा ना ले। देखिए अलालुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किला। अब अलालुद्दीन खिलजी ने किन किन किलों का निर्माण किया था, तो जमेयत खाना मस्जिद का, अलाई दरवाजा का, सीढ़ी का किला, 1000 खंब महल। तो इन सभी को आपको याद रखना है कि कौन कौन से इन्होंने किले का निर्माण करवाया था और ये सब कहाँ थे। अलाई दरवाजा दिल्ली में था, सीढ़ी का किला दिल्ली में, 1000 खंबा महल जो है ये भी दिल्ली में है। अब इनका विद्रोह देख लीजिए, अलालुद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए थे उन्हें समझते हैं। तो 1301 ईस्वी में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह जो है हुए थे, यानी 1301 ईस्वी में अलालुद्दीन खिलजी जो थे उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए थे। एक था अकत खां का विद्रोह, एक था उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, और तीसरा जो था वो हाजी मोल्ला का विद्रोह। ये 3 विद्रोह थे जो कि अलालुद्दीन खिलजी के विरोध में हुए थे। अब देखिए अलालुद्दीन के अभियान, यानी अलालुद्दीन जो खिलजी थे उसके द्वारा चलाए गए कौन कौन से अभियान थे। इसने अभियानों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन थे, उत्तर भारत का अभियान और एक था दक्षिण भारत का अभियान। तो उत्तर भारत के अभियान में अलालुद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब क्या हुआ था, उत्तर भारत का जो अभियान था उसमें अलालुद्दीन खिलजी जो थे उसने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीता और उन सारे राज्यों को जीत के अपने ही साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। और जो दक्षिण भारत में जो राज्यों को इन्होंने जीता था उसे अपने साम्राज्य में इन्होंने नहीं मिलाया, इसने क्या किया, इसे उसे अपने अधीन में रख लिया, यानी अपने अधीन करवा लिया, और वहाँ के जो सुल्तान होते थे उन्हें कहा कि आप ही लोग शासन करो, आप ही लोग शासन करोगे, लेकिन आप लोग मेरे अधीन में रहोगे, यानी मुझे जो है उसकी रकम दोगे और तब आप लोग शासन करोगे। तो उसके अधीन शासन करने के अधिकार जो था वो दिया था इन्होंने। देखिए उत्तर भारत में जीते हुए राज्य, अब उत्तर भारत में इन्होंने कौन कौन से राज्य जीते थे जिसे अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो गुजरात विजय जो कि 1299 ईस्वी में, 1299 में गुजरात अभियान हुआ था। तो गुजरात अभियान कब हुआ था, 1299 में। इस समय यहाँ के शासक जो है वो कर्ण बघेला था। कर्ण बघेला बिना युद्ध किए भाग गया। अब क्या हुआ, जब गुजरात में जो युद्ध हुआ था, गुजरात अभियान हुआ था, उस समय वहाँ का जो शासक था वो कर्ण बघेला था, और कर्ण बघेला जो था वो बिना युद्ध के ही वो डर के भाग गया था, और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ जो है वो उन्होंने शरण ले ली थी। इस गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और तब क्या हुआ, तो गुजरात जो था गुजरात उसे दिल्ली सल्तनत में अलालुद्दीन खिलजी ने मिला लिया। अब दूसरा था रणथंभौर विजय, जो 1300 में 1301 ईस्वी तक, 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ था। तो रणथंभौर अभियान कब हुआ था, 1300 ईस्वी में हुआ था। यहाँ के शासक कौन थे, हमीर देव थे। देव के
मंत्री रणमल के विश्वघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इस किले को कैसे जीता, तो हमीर देव के जो मंत्री थे रणमल, उसके विश्वघात करने के कारण, यानी इन्होंने हमीर देव से, जो मंत्री रणमल थे उसने हमीर देव से विश्वघात किया था, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है उस किला को जीत पाए थे। अब नेक्स्ट था चित्तौड़ विजय, जो कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। अब जो चित्तौड़ विजय हुआ था ये 1303 ईस्वी में हुआ था, और ये जो अभियान था चित्तौड़ अभियान, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए ये विद्रोह जो है वो किया था, और यहाँ के राजा जो रतन सिंह थे उसे पराजित कर दिया था, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। आप सभी ने पद्मावती मूवी जो है वो तो देखी होगी, तो उसमें क्या दिखाया गया था, ये जो युद्ध हुआ था ये पद्मावती के लिए हुआ था, क्योंकि पद्मावती जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने ये युद्ध किया था और रतन सिंह को पराजित किया था। लेकिन क्या हुआ था उस मूवी में, क्या देखा था आप लोगों ने, जब वो युद्ध में जीत गया तो रानी पद्मावती जो थी वो चित्तौड़ की अन्य जितनी भी महिलाएं थी उसके साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, जौहर कर लिया, यानी आग में वो सारे लोग जो है जल गई, खुद को जला लिया था इन्होंने। इसलिए पुरानी मूवी जो होती है उसे देखनी चाहिए, जो भी आपकी रियल स्टोरी पे आधारित मूवी होती है उसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आप लोगों को वो हेल्प भी कर जाती है। नेक्स्ट है मलवा विजय, 1305 ईस्वी में मलवा अभियान हुआ था, यहाँ के शासक कौन थे, तो महलक देव थे। महलक देव पराजित हुआ और मलावा का सुल्तान को मिला लिया। अब नेक्स्ट देखिए दक्षिण भारत का अभियान। अब दक्षिण भारत का अभियान जो था उसमें इन्होंने दक्षिण भारत के राज्य को तो जीता था, युद्ध में तो जीता था, लेकिन उसे अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था। वहाँ के राजाओं को शासन करने की छूट दे दी कि आप ही लोग शासन करो लेकिन मेरे अधीन में, यानी उसका आपको रकम भी चुकाना पड़ेगा। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। क्या हुआ था, 1307 ईस्वी में मलिक काफूर जो था उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और देवगिरी का उस समय शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह जो है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही कर दिया था। सुल्तान ने इसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा और राय राय की उपाधि भी प्रदान की थी। अब क्या किया था, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तो कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है इन्हें दी और राय राय की जो उपाधि है वो भी इसे दी थी। दूसरा था तेलंगाना अभियान, जो कि 1309 से 1310 ईस्वी तक था। तेलंगाना के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। इसकी राजधानी क्या थी, तो बाड़गल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव ने बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर ली। अब जब रुद्रदेव जो थे ये पराजित हो गए, ये हार गए, तो इन्होंने हारने के बाद उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, यानी इन्होंने बहुत सारे उपहार दिए थे सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को, और उनके अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है होयसल राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में। शासक कौन थे वहाँ के, तो वीर बल्लाल देव तृतीय था। राजधानी उनकी क्या थी, तो द्वार समुद्र था। इसने भी सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर ली थी। अब नेक्स्ट है पांडे राज पर आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में। यहाँ के शासक कौन थे, तो वीर पांडे थे। राजधानी इनकी मंदूरा थी। 1311 में मलिक काफूर ने मंदूरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांडे इसके हाथ नहीं लगा, यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया था। दक्षिण भारत में यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अब क्या हुआ था, वीर पांडे ही एक ऐसा राजा था दक्षिण भारत का जिसने अलाउद्दीन खिलजी की जो अधीनता थी उसे स्वीकार जो है उन्होंने नहीं की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बाजार को नियंत्रण कैसे करते थे, उनकी क्या नीतियाँ थी। तो खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू किया था, ताकि सेना जो है उसे सुविधा मिल सके, बाजार जो था उस पर कंट्रोल किया जा सके। यह नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। कौन कौन से सिद्धांत थे, तो उत्पादक लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, यानी जैसे वस्तुएं हैं वैसे ही उसका मूल्य का निर्धारण करना चाहिए, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो, जो आम जरूरत की, जो रेगुलर यूज की जो वस्तुएं है उसकी कमी बाजार में नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चार प्रकार के बाजार गठित किए थे। कितने प्रकार के बाजार गठित किए थे? तो चार प्रकार के। कौन कौन सा था? तो पहला था मंडी, यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 अधिनियम थे। जो मंडी थे वो अनाज का बाजार था, यानी वहाँ अनाज जो है वो मिलते थे। और इससे संबंधित कितने अधिनियम थे? तो 8 थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था, यानी किस अनाज का मूल्य जो है वो कितना रहेगा ये निर्धारित रहेगा। व्यापारी जो है अपने मन से उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहना ए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की थी। अब क्या हुआ था, बाजार के नियंत्रण करने के लिए जो अनाज मिलता था उसका जो मूल्य बढ़ा दिया जाता था, उसको नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने सहना ए मंडी की नियुक्ति की, जिसमें जमाखोरों को, यानी जो ऐसे काम करते हैं जो ज़्यादा मूल्य बढ़ा के बेचते हैं, उसे कठोर दंड देने की भी इन्होंने व्यवस्था की थी। दूसरा था सराय ए अदल, यानी न्याय का स्थान। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी बिकता था। अब इसमें क्या क्या होता था, तो सराय ए अदल में जड़ी बूटियां, घी, चीनी, ये सारी चीज़ें जो है वो बिकती थी। अब है घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। अब इससे संबंधित 2 नियम थे। पहला नियम जो था, किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण, यानी किस नस्ल के हैं, कौन से जानवर, किस तरह के हैं, उसके अनुसार ही मूल्य का निर्धारण होता था, यानी उसका मूल्य जो है वो तय होता था। अब दूसरा नियम था दलालों पर कठोर नियंत्रण, यानी जो दलाल होते थे उन पर कठोर नियंत्रण करना। अब नेक्स्ट है सामान्य बाजार। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी। जो आम जरूरत के, जो रेगुलर यूज़ के जो वस्तुएं होती थी, जो जरूरत में हमेशा पड़ती थी, वो वस्तुएं बिकती थी। जैसे सब्जी हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, जो हमेशा की जरूरत का सामान है। इसका मूल्य भी उत्पादक मूल्य पर आधारित किया गया था। अब आगे देखिए, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद। अब बाजार को नियंत्रण करने के लिए, यानी नियंत्रण मूल्य जो है वो नियंत्रित रहे, कोई व्यापारी जो है अपनी मनमानी ना कर सके, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कुछ नवीन पद थे, जिसमें एक था दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों को नियंत्रण रखता था, यानी ये जो व्यापारी होते थे उसको नियंत्रण में रखता था, ताकि वो लोग जो है सही दाम में, सही मूल्य में वस्तुओं को बेच सके। दूसरा था सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक, यानी उसकी देख रेख करना। नेक्स्ट है बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार निरीक्षक करता था। अब जो बरीद होता था उसमें क्या होता था, तो बाजार के अंदर घूमते थे और घूम के बाजार का निरीक्षक करते थे कि कौन किस तरह से व्यापारी वस्तुओं को बेच रहा है, किस मूल्य में बेच रहा है। मुनहियान और गुप्तचर, अब कुछ गुप्तचर होते थे जो गुप्त सूचना को प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले कर। अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन कौन से कर थे जो इन्होंने लगाया था, तो एक था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, यानी दूध देने वाले जो पशु होते थे, जो भी पशु है जो दूध दे रहे हैं उन पे चराई कर लगाया जाता था। और गड्ढी कर, घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो इन करों को आप लोग को ध्यान में रखना है, चराई कर किस पे लगाया जाता था, तो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जो दूध देने वाले पशु होते थे। और गड्ढी कर जो होता था घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। अब मंगोलों का आक्रमण जो है, सबसे अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इन्होंने अपना अंतिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर जो थे, इसने अपने 6 वर्षीय पुत्र सिहाइसुद्दीन खिलजी को सुल्तान बनाया। अब तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, अब उसके मृत्यु के बाद जो मलिक काफूर थे, इन्होंने 6 वर्ष के अपने पुत्र जो सिहाइसुद्दीन खिलजी थे, उन्हें इन्होंने सुल्तान बना दिया। लगभग 35 दिन तक शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे मुबारक खिलजी कहा जाता है या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ने मलिक काफूर की हत्या कर सिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और वो शासक बन गया। क्या हुआ था, 35 दिन बाद सिहाइसुद्दीन खिलजी जो है उसके
शासन के 35 दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसके तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी, जिसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी कहा जाता है, ने मलिक काफूर की हत्या की और उसके बाद शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी और खुद 1316 में सिंहासन पर बैठ गया। अब देखिए मुबारक शाह खिलजी, अब इसका शासन शुरू हुआ, यानी ये मार के सबको गद्दी पे बैठा, अब इसका शासन शुरू हुआ। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में गद्दासन पर बैठा। इसका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निवस्त्र ही आ जाता था। अब क्या था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे, जिसे मुबारक खिलजी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं था। वो क्या करते थे, कभी कभी महिलाओं का वस्त्र पहन के ही दरबार में आ जाता था, कभी कभी निवस्त्र यानी बिना वस्त्र के ही ये दरबार में आ जाया करता था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अब जो मुबारक खिलजी थे उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या की और उसके बाद खुसरो खां जो था वो 1320 ईस्वी में इसकी हत्या की थी और खुद ही शासक बन गया था। अब देखिए निसरुद्दीन खुसवर शाह, जिसे खुसरो खां भी कहा जाता है, तो खुसरो खां 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक कुछ ही दिन शासन इनका रहा था। यानी खुसरो खां का जो शासन था वो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक ही रहा था, यानी कुछ ही दिन तक का इनका शासन रहा था। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश खत्म हो गया। यानी सबसे अंतिम जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे, जिसकी हत्या के बाद खिलजी वंश जो है वो समाप्त हो गया और तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी। तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो खुसरो खां जो थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स अगर आप लोग की हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।